मैं आपको बता दें, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो अंतिम चरण के लिए मतदान के लिए जोर शोर से शाम में थम जाएगा। दूसरे चरण में 28 दिसंबर को 23 जिलों के 68 निकायों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का जो है वो शोर आज थम जाएगा? बिल्कुल, देखिए 28 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और उसी के तहत यानी कि 2 दिन पहले 48 घंटे पहले आज चुनाव प्रचार देर शाम थम जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार सभी चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन अंतिम दिन देखा जाता है अमूमन कि पूरा दमखम लगाते हैं सभी लोग, पूरा जी जान लगाकर चुनाव प्रचार करते हैं। बता दें कि 28 दिसंबर को मतदान होना है दूसरे चरण के लिए बिहार नगर निकाय चुनाव के लिए, और इस दिन यानी कि 28 तारीख को 23 जिलों के 68 नगर निकायों में मतदान होगा और जो मतों की गिनती है वो 30 दिसंबर को होगी। बता दें कि इस बार जो चुनाव होना है वो 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। और देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है और खुद जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो मेयर पद का चुनाव करेंगे, मेयर को चुनेंगे। तो 3 ईवीएम होंगे जिसमें सबसे पहला मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा और वार्ड पार्षद होगा। अमूमन उसको कहा जाता है मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद। इन 3 पदों के लिए मतदान होगा, 3 ईवीएम होंगे, लोग अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे और पहली बार मेयर जो है लोग खुद चुन सकेंगे। लोगों की जो इच्छा होगी वही मेयर बनेंगे। पहले केवल पार्षद को लोग चुन पाते थे, लेकिन अब मेयर, डिप्टी मेयर सभी का जो चुनाव है वो आम जनता यानी कि लोग करेंगे। तो जो तैयारी है निर्वाचन आयोग की तरफ से वो पूरी कर ली गई है। 28 तारीख को मतदान होगा। कुल 1529 वार्ड के 2230 भवनों में मतदान केंद्र बनाया गया है और जो मतदान केंद्र की संख्या है वो करीब 7000 से अधिक है। इन 7000 मतदान केंद्रों पर लोग अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ते इंतजाम होंगे और 30 तारीख को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। अनुष्का, धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए।